महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी यवतमाल के पुसद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो जब मंच पर बोल ही रहे थे कि अचानक बेसुध होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तत्काल इलाज के लिए ले गए। घटना के कुछ देर बाद ही नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गर्मी के चलते उन्हें असहज महसूस हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पोस्ट कर नितिन गडकरी के स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के पूर्व मध्य भाग में विदर्भ में स्थित यवतमाल भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। मौसम विभाग ने 27 से 29 अप्रैल तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। नितिन गडकरी खुद नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मतदान हो चुका है। अब वो अपनी पार्टी और सहयोगियों के लिए अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। नागपुर सीट पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। यहां गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। नितिन गडकरी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, यह पहली बार नहीं है जब गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ी है। साल 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान जब वो अचानक मंच पर बेहोश हो गए थे, इस दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव उनके साथ मौजूद थे। गवर्नर ने ही उन्हें स्टेज पर संभाला। तब बताया गया था कि उनका शुगर लेवल कम होने की वजह से चक्कर आ गए। उन्हें तुरंत पानी पिलाया गया और पेड़ा खिलाया गया था। इससे पहले भी एक रैली के दौरान उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी। आपको बता दें कि नितिन गडकरी वजन घटाने के लिए भी ऑपरेशन करवा चुके हैं। नागपुर को एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहां से अब तक कांग्रेस कुल 12 चुनाव जीती है, लेकिन 2014 के चुनाव में भाजपा ने नितिन गडकरी को मैदान में उतारा और उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। उसके बाद वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। नागपुर विधानसभा की 6 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।